protest demonstration in Jammu today demanding government jobs to them as promised by the authorities when they were asked to join army and serve as porters during Kargil war in 1999. आज हमारा जो प्रोटेस्ट है पिछले पाँच साल से जो जम्मू में चल रहा है उधमपुर में दिल्ली तक चल रहा है ये इस तरह का है कि सर हमारा जो कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारे 500-600 लड़का था जो जम्मू उधमपुर सांबा कठुआ का था ठीक है और उसमें क्या था सर हम लोगों ने आर्मी के लिए दिन रात वहाँ पर काम किया कारगिल द्रास उड़ी सेक्टर अपने वहाँ पर किया काम आर्मी तक मुनिशन पहुँचाया खाने का सामान पहुँचाया ठीक है उनकी डेड बॉडीज जो होती थी हमारी इंडियन सोल्जर की वो हम अपने कंधे पर ला के नीचे रखते थे और हमें वहाँ से एक प्रमाण पत्र दिया गया था कि उसमें कहा लिखा गया था साफ कि आप जब भी कोई जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भर्ती आएगी सबसे पहले आप लोगों को बुलाया जाएगा लेकिन सर अफसोस है जबकि 18 साल 20 साल बीत गए हैं हम लोगों को कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है अब चार लड़के जो कोर्ट के माध्यम से जो थे हमारे उधमपुर के अंदर सर्विस कर रहे हैं हमारे जो लड़के पीछे इनको भी ऑर्डर दिया गया कि रखो लेकिन सर कोई भी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है जबकि ताकि दिल्ली तक जाके हमने जो हमारा के सांसद जहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं जुगल किशोर जी हैं हमने उनको जाकर 5-6 बार से हमने लेटर दिए और उन्होंने कहा कि आपके लिए जल्द से कोई पॉलिसी बनाई जाएगी लेकिन आज तक हमारे लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनी है हम अब मजबूर हो गए सर और हम आज एक अपने लेटर देंगे हम वहाँ पर अपने डीसी साहब के थ्रू गवर्नर साहब से हम यही अपील करेंगे सर गवर्नर साहब के आगे आपके मीडिया के माध्यम से कि जैसे उन चार लड़कों को रखा गया हमें भी रखा जाए Thank you.